अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैं आज एक शॉर्ट सी वीडियो बनाने आई हूँ, क्योंकि मेरी बहुत 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 अच्छी फ्रेंड यूट्यूब पे, और दो तीन फ्रेंड्स मेरी बहुत अच्छी हैं यूट्यूब पे, जिनसे मेरा पर्सनली भी कॉन्टेक्ट है, और जिसमें से सब हिना लाइफ स्टाइल ब्लॉग जो है मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है यूट्यूब पे, और मेरी वैसे भी उनसे काफ़ी बातचीत होती रहती है। और कल वो लोग लाहौर के ट्रिप पे निकले थे, और आप उनके व्लॉग में देखिएगा, वो काफ़ी खुश थी, और उनका बहुत इरादा भी था कि मैं लाहौर जाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि मैं स्वीटी जी से मिल पाऊँ, और उनकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी। लेकिन हर काम में शायद अल्लाह की बेहतरी होती है, और अल्लाह को शायद पता होता है कि क्या होना है क्या नहीं। और अभी वो लाहौर मेरे ख़्याल से पहुँची ही थी, तो उनके फादर की पीछे से डेथ हो गई, और बिल्कुल सडन डेथ हुई है। और अभी उनकी वालदा को 1 साल ही हुआ है डेथ को, तो अभी वो अपनी वालदा के गम में मतलब इतनी थी कि वो बताती थी कि मैं सबसे छोटी हूँ, और मैं अपनी अम्मी का मतलब अम्मी को मतलब भूल नहीं पाती है, या अम्मी को बहुत याद करती है। उन्होंने अपने व्लॉग में अपनी अम्मी का हर व्लॉग में शायद वो अपनी अम्मी की बातें करती हैं, क्योंकि एक माँ और बेटी की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो मुझे इतना शदीद दुख हुआ कि अभी उनकी अम्मी का गमी मतलब उनके पास से ख़त्म नहीं हुआ, और वो उन्होंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया कि थोड़ा मेरा शायद दिल लगा रहे, क्योंकि वह महका जो है शायद मेरे ख्याल से माँ से ही होता है, और यही होता है अम्मी के घर जा रहे हैं, अम्मी के घर रुक रहे हैं, या अम्मी के घर से आ रहे हैं, या अम्मी के घर जाना है। और एक दफ़ा वो अपने ब्लॉग में फ़ादर के लिए अपने खाना बना के भी भेज रही थी, तो मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने अब्बू के लिए इतना अच्छा खाना बना के भेज रही हो, तुम्हारे अब्बू खुश होंगे। और बिल्कुल अचानक उनके अब्बू सही थे, और अचानक उनके अब्बू की जो है वो डेथ हुई है। और बस मैं तो स्टेटस देखा तो मैंने उनको फ़ौरन कॉल की, और मैंने उनसे पूछा तो बस उन्होंने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा रो रही थी, और इतनी बात नहीं हो पाई मुझसे, और वो वापस जो है वो पिंडी जा रही हैं, क्योंकि वो पिंडी में रहती हैं, वो लाहौर पहुँची थी तो वापस उन्हें पिंडी पहुँच रही हैं, और एक बहन की कराची में रहती हैं, वो रात को पहुँचेंगी। तो मैं बस अल्लाह ताला बस इतनी दुआ करूँगी कि वो इतना रो रही थी मुझसे, उनसे बात इतनी मुझसे भी नहीं हो पाई, और मेरी खुद आँखों में आंसू आ गए, क्योंकि एक बंदा भी माँ के दुख से निकला नहीं फिर। और माँ बाप दोनों ऐसी चीज़ें जिन्हें आप कभी माँ बाप क्या माँ बाप के लिए तो कोई अल्फाज ही नहीं है, अनमोल तोहफा है अल्लाह की तरफ से हम सब के लिए। तो अल्लाह ताला से बस दुआ है, और आप सब भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र दे, उनकी फ़ैमिली को सब्र दे यही कह सकती हूँ, और अल्लाह ताला उनके माँ बाप को जन्नत में जगह दे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और बस अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हिना को ख़ास तौर पर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।